हेलो डियर स्टूडेंट्स पी सेक्शन में हमने आपका लेसन नंबर थ्री कंप्लीट किया था फैमिली टू लिव विद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर लेसन नंबर फोर फूड वी ईट ओके फूड जो हम ईट करते हैं ओके फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स फूड क्या होता है लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ओके अब देर इज़ अ वर्ड लिविंग बींग्स ओके वट डू यू मीन बाई लिविंग बींग्स लिविंग बींग्स किसे कहते हैं जो किस चीज़ की कैपेबल हो जो ग्रोथ करने के कैपेबल हो जो डेवलपमेंट करने के कैपेबल हो जो न्यूट्रिशन इंटेक करने के कैपेबल हो ओके okay? जो एक्सक्रीशन करने के कैपेबल हो जो ब्रीथिंग करने के कैपेबल हो एंड जो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो ओके okay? सो so, आप आप आ, समझ चुके होंगे जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं ना तो ह्यूमन बींग्स ऑल दीज एक्टिविटीज करते हैं है ना सो दैट्स वाई ह्यूमन बींग्स एनिमल्स प्लांट मैन ओके इन सबको किस में किस कैटेगरी में डाला गया लिविंग बींग्स में अगर आप यहीं पर अगर आप बेड चेयर्स पेन कॉफ़ी इनका एग्जाम्पल लेके चलें ठीक है तो ये क्या क्या तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या ग्रोथ कर, कर सकती हैं नो no. ना ही डेवलपमेंट कर सकते हैं ना ही फूड ले सकते हैं ना एक्सक्रेशन कर सकते हैं ना ब्रीथ कर सकते हैं ब्रीथिंग कर सकते हैं ओके सो ऑल द लिविंग बींग्स नीड फूड एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड फूड हमें क्या मिलती है एनर्जी मिलती है ओके नाउ वी ईट फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्थी और इज अ क्वेश्चन वाई वी ईट फूड क्यों ईट करते हैं हम फूड ताकि ग्रो कर पाएँ और हेल्थी बने रहें ओके इफ़ वी डोंट ईट फूड अगर हम फूड ईट नहीं करते हैं तो क्या होगा वी फील वी विल फील वीक हमें कैसा फील होगा वीक कमजोरी फ़ील होगी ओके सो आवर फूड इंक्लूड सीरियल्स वेजिटेबल्स पल्सेस फ्रूट्स एंड मिल्क ओके हमारे फूड में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं सीरियल्स भी होते हैं वेजिटेबल्स भी होते हैं पल्सेस भी होती हैं फ्रूट्स भी होते हैं मिल्क भी होते हैं ओके okay? अब आपको पता है सीरियल्स के अंडर में अलग अलग डिफरेंट थिंग्स आती हैं विजिटेबल्स में भी अलग अलग वेजिटेबल्स होती हैं पल्सेस भी अलग अलग होती हैं फ्रूट्स भी अलग होते हैं ओके okay? मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट भी अलग अलग होते हैं डिफरेंट फूड्स हेल्पस्ड इन डिफरेंट वेज ओके जो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं ये क्या हमें अलग अलग वे में हेल्प करते हैं सो आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ फ़ूड इसलिए हमें हमारी बॉडी को क्या होती है प्रति ऑल टाइप्स ऑफ फूड की नीड होती है जो भी ये सीरल से वेजिटेबल एप्पल फ्रूट मिल्स ठीक है ना इस इन सब चीज़ों की हमें नीड होती है हमारी बॉडी को ओके टू कीप फिट किस की चीज़ के लिए ताकि हम फिट बने रहें ओके बेटा सो so, चीफली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फूड कितने टाइप्स के फूड होते हैं थ्री टाइप्स के कौन कौन से एनर्जी गिविंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से होते हैं एनर्जी गिविंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड ओके सो फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉन एज एनर्जी गिविंग फूड अब कार्बोहाइड्रेट्स में किस किस में मिलते हैं सारे ऑल सीरियल्स में ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ सीरियल्स में ठीक है सब सचेज वीट राइस मेज ओट्स ओके ये सारे क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स सीरियल्स होते हैं जिनमें क्या मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ओके आप लोग इसे uh, इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स uh, लिख दीजिए ऑल्सो नॉन एज एनर्जी गिविंग फूड्स अब एक एग्जांपल जैसे बता रहे कि ऑल सीरील्स ठीक है ना ऑल सीरियल्स जैसे सीरियल्स में क्या क्या होता है वीट मेज राइस एंड ओट्स तो इनमें क्या मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं ये सारे क्या होते हैं एनर्जी गिविंग फूड होते हैं ठीक है अब जो सीरियल्स होते हैं बेटा इनसे हम लोग क्या बना सकते हैं ब्रेड बना सकते हैं बिस्किट बना सकते हैं केक बना सकते हैं बंस बना सकते हैं रोटी बना सकते हैं पराठा बिरयानी इडली डोसा हलवा किससे बनते हैं ये सारे सीरियल से बनते हैं ओके सो बेटा हमें ये सारी की सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए ईट करनी चाहिए ताकि आपको एनर्जी मिल पाए ठीक है अब आपको एनर्जी चाहिए ना अगर आपको खेलना है तो क्या चाहिए आपको एनर्जी चाहिए है पढ़ना है तो स्टडी करनी है तो एनर्जी चाहिए सो वी हैव मस्ट टू ईट ऑल दीज टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स ओके नेक्स्ट वन इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी बिल्डिंग फीड फूड मैंने भी आपको बताया था किसे कहते हैं प्रोटीन्स को बिकॉज जो प्रोटीन्स होती हैं चीज़ में हेल्प करती है ग्रोथ करने में प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रोथ सो दैट्स वाई प्रोटीन आर ऑल्सो नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स ओके अब बॉडी बिल्डिंग्स फूड्स प्रोटीन किस किसे मिलते हैं ऑल पल्सिस में अब पल्सिस किसे कहेंगे बेटा दाल को जो सारे प्रकार की दालें होती हैं उनमें क्या मिलते हैं प्रोटीन्स मिलते हैं जैसे कि बीन्स ग्राम पीज मिल्क चीज़ ठीक है सॉरी uh, यहाँ पर आपके बीन्स एंड ग्राम पीज़ है क्या हैं एग्जाम्पल है पल्सेस के ओके बेटा बीन्स ग्राम किसे कहेंगे चना पीज़ किसे कहेंगे मटर ओके ये एग्ज़ाम्पल है आपके दाल के मिल्क अब यहाँ से मिल्क आपका स्टार्ट है मिल्क चीज़ कर्ड ठीक है मिल्क हो गया दूध और जो चीज़ होती हैं और जो कर्ड होता है क्या होते हैं मिल्क प्रोडक्ट होते हैं ठीक है थीके? तो इनमें भी क्या मिलते हैं आपको प्रोटीन मिलते हैं ओके नेक्स्ट है नॉन वेजिटेरियन फूड जैसे कि एग मीट फिश चिकन ठीक है इनमें भी क्या होते हैं प्रोटीन प्रेजेंट होती है अब जब इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है अब हमने अभी पढ़ा था कि प्रोटीन हेल्प करती है ग्रोथ करने में ओके सो दिस ऑल द फूड आइटम्स हेल्प अस टू ग्रो ओके बेटा यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ फिश एग्स मीट पल्सेस एंड मिल्क ओके वी शुड इंक्लूड दिस फूड इन अवर डाइट हमें अपने डाइट में इस इन सारे फूड आइटम्स को इंक्लूड करना चाहिए ओके चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स एज ग्रो फास्ट जो चिल्ड्रंस हैं जैसे कि आप हो ओके okay? आपको क्या चाहिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है क्यों होती है बिकॉज आप लोग क्या करते हो फास्टली ग्रोथ करते हो पता है ना आपको जैसे आप नर्सरी में थे तो आप कितने से थे इतने छोटे से थे आप देन आप एल में आए ग्रोथ हुई है ना फिर एक वन ईयर और ग्रोथ हुई आप यूके में आए ठीक है, है फिर आप फर्स्ट में आए फिर आप सेकेंड में आएँ तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की सो so, बेटा यू हैव टू ईट ऑल दीज आइटम्स ओके नाओ नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्टिव फूड्स प्रोटेक्टिव फूड्स किसे कहेंगे जो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करे ठीक है जो हमें जॉम से प्रोटेक्ट करे ठीक है अब किसे कहेंगे प्रोटेक्टिव फूड जैसे विटामिनस और मिनरल्स इन्हें क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव फ़ूड कहते हैं विटामिन एंड मिनरल्स आर नॉन एज प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज दे हेल्प अस टू कीप हेल्थी क्योंकि वो हमें हेल्थी बनाए रखने में हेल्प करता है दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ ठीक है डिजीज़ किसे कहेंगे एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप लोग कैसे फील करो वीक फील करो ओके okay? ऐसी कंडीशन को कहते हैं डिजीज़ बीमारी विटामिन एंड मिनरल्स किस में मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ठीक है ना किस में मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या मिलते हैं विटामिनस एंड मिनरल्स सो वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे टू रिमेन हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग इसीलिए हमें क्या करना चाहिए प्रत्येक दिन एवरी डे हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को ईट करना चाहिए ताकि हम हेल्थी एंड स्ट्रांग बने रहें ओके नेक्स्ट वन इज़ सोर्सेज ऑफ फूड लिखे बेटा आप लोग प्रोटेक्टिव फूड को इस तरीके से भी लिख सकते हो ओके okay? इसको कट करो आप लोग इतना नोट डाउन कर सकते हो प्रोटेक्टिव फूड विटामिन एंड मिनरल्स फ्रूट वेजिटेबल्स ओके okay? आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो इनको कट करो इनको कट करो एंड प्रोटीन्स को आप इस तरीके से लिख सकते हो पल्सेस बीन्स ग्राम पीस मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट ओके कार्बोहाइड्रेट को आप इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हो ओके नेक्स्ट होने सोर्सेज ऑफ फ़ूड अब हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स के फूड को ईट करते हैं ठीक जैसे हमने अभी पढ़ा कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट uh, को uh, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं उनको ईट करते हैं प्रोटीन्स वाले प्रोडक्ट को करते हैं प्रोटेक्टिव फूड वाले आइटम्स को ईट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं अलग अलग टाइप के फूड्स को ईट करते हैं अब देर इज़ अ क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है कि जो हम लोग ईट कर रहे हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं ओके वेर वी ऑप्टेन दीज फूड आइटम्स कहाँ से मिलते हैं वी गेट दीज फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स अब प्लांट्स से जो फूड आइटम मिलेंगे मैं क्या कहते हैं प्लांट्स प्रोडक्ट एंड जो एनिमल्स मिलेंगे क्या कहेंगे प्लांट्स प्रोडक्ट्स

सो हीयर इज़ प्लांट्स प्लांट्स जैसे कि हमें क्या है फ्रूट्स वेजिटेबल्स सीरियल्स पल्सेज स्पाइसिज एंड नट्स मिलते हैं अब हम लोग फ्रूट्स के अंदर आपको पता है अलग अलग टाइप्स के फ्रूट होते हैं जैसे कि मैंगो ऑरेंज एप्पल्स वेजिटेबल जैसे कि कैबेज कैप्सिकम बीटर कुछ भी हो सकता है वेजिटेबल्स के अंदर जो आते हैं ओके okay? सीरील्स के अंदर जैसे कि मेज़ वीट बार्ले ओट्स ओके okay, ये सारे क्या आते हैं हमारे सीरियल्स के अंदर आते हैं पल्सेस के अंदर जैसे कि पीस किडनी बीन्स लेंटिल्स हमारे पल्सेस के अंदर आते हैं स्पाइसेस सपोज एज um, टॉर्मेरिक ठीक है स्पाइस चिलीज मिर्च ठीक है ना और एंड नट्स ठीक है ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है प्लांट से मिलती हैं ऑल दीज थिंग्स आर ऑप्टेड फ्रॉम प्लांट्स ओके एंड नेक्स्ट वन इज एनिमल्स एनिमल सोर्सेज तो में जैसे कि जो हम जो फ़ूड प्रोडक्ट्स जो फूड आइटम हमें एनिमल से मिलते हैं जैसे कि आ, आपका हैन और ऑस्ट्रिच होता है या फिर अदर आपके एनिमल्स से जिनसे हमें क्या मिलता है एग मिलता है काव गॉड बफेलो इन ये हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट जैसे कि कर्ड दही बटर घी है ना तो आ, हमें मिल्क कट बटर घी कहाँ से मिलते हैं काव गॉड बफेलो से मिलते हैं एंड नेक्स्ट में शिप है ना फ़िश एंड शिप से हम लोग क्या मिलते हैं मीट फ्लैस मिलती है मिलती है मटन चिकन जो आप लोग ईट करते हो कहाँ से मिलते हैं हमें फ़िश और शिप से क्या होते हैं एनिमल्स होते हैं सो एंड इज़ अ पिक्चर द प्लांट प्लांट्स प्रोडक्ट ओके सीरियल्स पल्सी स्पाइसेस फ्रूट वेजिटेबल्स एंड नट्स ओके ना बेटा नेक्स्ट वन इज देर इज़ एग्जाम्पल ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स दैट इज मिल्क बटर कर्ड घी ओके सो मिल्क से हम लोग अलग अलग टाइप्स के फूड आइटम्स बना सकते हैं जैसे कि घी बटर चीज कर्ड एंड अलग अलग स्वीट्स नेक्स्ट वन मील्स अ डे मील्स अ डे एक दिन में जो हम लोग फूड ईट करते हैं ओके सो बेटा बेसिकली हम लोग थ्री टाइम्स पर वन डे में ईट करते हैं वैन वी ईट इन द मॉर्निंग जब हम लोग मॉर्निंग में ईट करते, तो okay. करते, okay. करते, करते हैं तो उसे क्या कहेंगे ब्रेकफास्ट ओके वैन वी ईट इन द आफ्टरनून जब हम लोग आफ्टरनून में ईट करते हैं उसे क्या कहेंगे लंच ओके दोपहर में जब हम लोग फूड ईट करते उसे कहेंगे लंच वैन वी ईट एट नाइट जब हम लोग रात को ईट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे डिनर ओके बेटा बिसाइड दिस ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर के अलावा जब हम लोग हम लोग समटाइम्स क्या करते हैं इन द इवनिंग इवनिंग में हम लोग कभी कभारी लिटिल टी कॉफी या स्नैक्स ले लेते हैं ओके बेटा याद रखिए ब्रेकफास्ट हम लोग कब लेते हैं मॉर्निंग में लंच कब बोलेंगे जब हम लोग आफ्टरनून में ठीक है ना दिन में दोपहर में फूड को ईट करते हैं ओके आफ्टर ट्वेल्व ओ क्लाक ठीक है ना अब डिनर कर लेते हैं हम जब हम लोग रात को फूड ईट करते हैं ओके एंड नेक्स्ट मीन गुड फूड हैबिट्स अच्छी खाने के आदतें क्या क्या हैं? क्या क्या हैं फर्स्ट मनी वी मस्ट ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड हमें क्या करना चाहिए फूड को साफ़ करना चाहिए और सॉरी वी मस्ट ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड हमें कैसा फूड ईट करना चाहिए क्लीन एंड फ्रेश फूड को ईट करना चाहिए हमेशा वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम बिफोर यू ईट दैम ओके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ईट करने से पहले उन्हें क्या करना चाहिए वॉश करना चाहिए अच्छे से नेक्स्ट उन्हें कीप कु फ़ूड एंड कट फ्रूट्स कवर्ड हमेशा कैसे फूड रखना चाहिए कैसा फूड ईट करना चाहिए कुक फूड पका हुआ खाना हमें रॉ मटेरियल्स नहीं ईट करना है कच्चा खाना नहीं खाना है कैसा खाना खाना चाहिए कुकड फूड को ठीक है एंड कट्स फ्रूट्स कवर्ड एंड जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं ना उसे कैसे खाना चाहिए कट करके खाना चाहिए ओके एंड समाइम्स की um, जो कट फ्रूट लेफ्ट हो जाते हैं मतलब लेफ्ट रह जाते हैं बच जाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए कवर करना चाहिए ओके स्टोर फूड इन द रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर किसे कहेंगे फ्रिज को किसे कहते हैं रेफ्रिजरेटर फ्रिज को ओके okay? हमें फूड को कहाँ स्टोर रखना चाहिए फ्रीज में रखना चाहिए सपोज दैट कि आपका फूड कुछ कभी बच जाता है तो कहाँ रखना चाहिए हमें फ्रीज में रखना चाहिए ओके okay? रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए ड्रिंक बॉयल्ड और फिल्टर वाटर हमेशा कैसा वाटर पीना चाहिए बॉयल और फिल्टर वाटर को ठीक है वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग हमेशा अपने हैंड को खाने से पहले बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग ठीक है ना खाने से पहले एंड खाने के बाद भी अपने हैंड को हमेशा वॉश करना चाहिए नेवर ईट विथ थर्टी हैंड्स ओके कभी भी फूड को गंदे हाथों से नहीं खाना चाहिए ओके बेटा सो यू कैन सी योर द पिक्चर्स ऑफ गुड हैबिट्स वॉश योर हैंड कीव द फूड इन द रेफ्रिजरेटर एंड यू कैन सेटोर फूड इन द रेफ्रिजरेटर ओके एंड ड्रिंक फिल्टर और बॉयल वाटर ओके बेटा देर इज द रिव्यू रिव्यू इज़ वी नीड फूड टू ग्रो गेट एनर्जी इन स्टे हेल्थी हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है ग्रोथ करने के लिए एनर्जी प्राप्त करने के लिए और हेल्थी बने रहने के लिए ओके एंड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फूड थ्री टाइप्स के फूड होते हैं एनर्जी गिविंग फूड किसे कहेंगे कार्बोहाइड्रेट को बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहेंगे प्रोटीन्स को प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्टिव फूड किसे कहेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स को ओके okay? आप तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव फूड को समझ सकते हो कि प्रोटेक्ट करना ठीक है ना प्रोटेक्ट मतलब जो हमें सेफ रखते हैं ठीक है ना प्रोटेक्टिव फूड मेनली वी इट थ्री थ्री मील्स डे मेनली हम लोग एक दिन में थ्री टाइम्स को थ्री टाइम्स मील्स लेते हैं फूड ईट करते हैं दैट इज़ ब्रेकफास्ट जब हम लोग मॉर्निंग में फूड ईट करते हैं इन द मॉर्निंग लंच जब हम लोग फूड को इन द आफ्टरनून ईट करते हैं दोपहर में ईट कर, कर, करते हैं, तब क्या कहेंगे लंच जब हम लोग फूड को रात को ईट करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे डिनर वैन वी ईट फूड एट द नाइट ओके देर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड टू मेन सोर्स होते हैं फूड के प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लाट्स से और एनिमल से जो हमें फ़ूड मिल रहे हैं ठीक है वी शूड फॉलो गुड फूड हैबिट्स टू कीप अस फिट एंड स्ट्रॉन्ग हमें फ़िट एंड स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए गुड फूड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए ओके नेक्स्ट वन इज टर्म्स टू लर्नस देर आर समर्म्स जॉब को लर्न करने सीरियल्स सीरियल्स कैसे कहेंगे ग्रेन्स जिसमें क्या होता है जैसे कि वीट राइस मेस ओके पल्सेज जैसे दाल मूंग उराद हर हर ग्राम न्यूट्रियट्स कैसे कहेंगे हेल्थ इज सबस्टांसेस ऐसे सबिस्टांसेस जो हमारे लाइफ और ग्रोथ के लिए असेंशियल होते हैं वेरी नेसेसरी होते हैं ओके नेक्स्ट इन प्रोटेक्टिव डेट कीप अस सेफ फ्रॉम डिजीज़ प्रोटेक्टिव किसे कहेंगे जो हमें डिजीज से सेफ रखते हैं ओके okay? डिजीजेस किसे कहेंगे इलनेस बीमारी या कंडीशन वैन यू फील नॉट बींग वेल जब हमें अच्छा फील नहीं होता है ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं डिजीज़ बीमार ठीक है बीमार नाउ Check your learning here are some question answer related to your, this uh, lesson first one is choose and tick the correct option aapne padhna hai choose karna hai aur sahi option ko correct karna hai so first question is we need food to hame food ki zarurat kyu hoti hai grow and get energy क्यों होती है? ताकि हम grow कर paye और energy को प्राप्त कर paye so here are option number c is right both a and b तो आपको ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है ओके नाउ वी नीड टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू स्टे हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को ईट करना चाहिए ताकि हम लोग क्या बने रहें हेल्थी ओके ताकि हम स्वस्थ बने रहें वीट राइस एंड मेज गिव अस वीट राइस और मेज़ गेहूँ वीट किसे कहेंगे गेहूँ राइस किसे कहते हैं चावल मेज़ किसे कहते हैं मक्का या यू कैन से मकाई ओके ये हमें क्या देते हैं एनर्जी फेयर आर अनदर ऑप्शन सीरील्स तो बेटा हमने सीरील्स पर टिक नहीं करना है बिकॉज सीरील्स के अंडर तो ये सारी चीज़ें आती हैं ठीक है ना ये हमें सील्स नहीं देते हैं ये हमें सील्स प्रोवाइड नहीं करवाते हैं दीज आर इंक्लूडेड इन सीरील्स ये सीरील्स में इंक्लूडेड होते हैं ओके okay? बट ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं हमें एनर्जी देते हैं ये हमें एनर्जी देते हैं नेक्स्ट इज़ डैश और बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं ठीक है कौन से करते हैं करते तो सभी हैं बट मेनली क्या होते हैं पल्स एंड मिल्क ओके नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स आपने जहाँ पे ब्लैंक्स दिए उनमें आपने फिल करना है ठीक है करेक्ट आंसर को हेल्प अस टू ग्रो वर्क एंड प्ले कौन हमें ग्रोथ वर्क एंड प्ले में हेल्प करता है यस yes, फूड ओके फूड हेल्पस टू ग्रो वर्क एंड प्ले कार्बोहाइड्रेट गिबस कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं यस एनर्जी विटामिनस एंड प्रोटीन्स और फाउंडन विटामिन एंड प्रोटीन जो क्या होते हैं प्रोटेक्टिव फूड एक किसमें मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ओके वी शुड ईट क्लीन एंड डैश फूड हमें कैसा फूड ईट करना चाहिए क्लीन साफ एंड फ्रेश फूड को ताजे फूड को ईट करना चाहिए ओके okay, बेटा नीयर आर ऑप्शन सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी ईट फूड सॉरी आंसर वी ईट फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्थी हमें फूड क्यों ईट करना चाहिए ताकि हम लोग हमें ग्रोथ हो पाए और हम हेल्थी बने रहे ओके वी ईट फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्थी सेकेंड क्वेश्चन इज नेम थ्री फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ऐसे थ्री फूड आइटम्स के नेम लिखने हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं सो यर आंसर वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स आर फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट आर एनर्जी गिविंग एंड प्रोटेक्टिव फूड एनर्जी गिविंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं सो so कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फ़ूड क्या होते हैं मिनरल्स एंड विटामिनस आर प्रोटेक्टिव फूड्स ओके मिनरल्स और विटामिन क्या होते हैं प्रोटेक्टिव फूड होते हैं आप लोग यहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं क्या आप लोग को लिखना है ओके सच एज कार्बोहाइड्रेट जैसे कि क्या होते हैं सीरियल्स वीट राइस मेज ओट्स ठीक है शुगर एंड हनी में भी क्या होते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं ओके नेक्स्ट मिनरल्स एंड विटामिन्स जैसे कि क्या होते किस में मिलते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में मिलते हैं तो आप लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के नेम्स यहाँ पर लिखोगे नेक्स्ट इज राइट डाउन थ्री गुड फूड हैबिट्स आपको थ्री गुड फूड हैबिट्स को लिखने हैं सो देर आर गुड हैबिट्स वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग अपने हाथ को खाने से पहले एंड खाने के बाद वॉश करने हैं नेवर ईट विद डर्टी हैंड कभी भी गंदे हाथ से ईट नहीं करना है ड्रिंक बॉयल्ड और फिल्टर वाटर हमेशा बॉयल्ड और फिल्टर वाटर को ड्रिंक करना है वॉश द फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर यू ईट दैम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को खाने से पहले उन्हें क्या करना है वॉश करना है ओके सो ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए नाउ थिंग्स टू डू आपको ये करना है विच आर योर फेवरेट फूड आपका फेवरेट फूड कौन सा है ड्रॉ टू ईच ग्रुप इन द स्पेस गिवन ब्लू यहाँ पर स्पेस दे रखा है ओके एनर्जी गिविंग फूड जो फूड आपका फेवरेट है उनको आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है वन एंड टू ठीक है वैसे ही बॉडी बिल्डिंग फूड वट एवर आ फूड आपका फेवरेट है उनको आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है बॉडी बिल्डिंग फूड को एंड प्रोटेक्टिव फूड को ओके आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है सो विद इन दिस योर लेसन इज़ कंप्लीट थैंक यू